टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर यानी जिनके नाम पे पॉलिसी होती है उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद जो उनके नॉमिनी होते हैं यानी उनके फैमिली, उनको बेनिफिट मिलता है। अगर आप फैमिली में हेड हो, आप ही अर्निंग करती हो सिंगल, आपके डेड होने के बाद फैमिली कैसे चलेगी, ये रिस्क कवर करने के लिए आप टर्म इंश्योरेंस करा सकते हो। आपके डेड के बाद भी आपके फैमिली को कुछ अर्निंग के तौर पर मिलते रहेगी। यहाँ देख सकते हैं प्योर प्रोटेक्शन, ये टर्म इंश्योरेंस में चाइल्ड या आपके चाइल्ड वाइफ इन सब के लिए प्रोटेक्शन के लिए आफ्टर आपके डेट। ये इफ़ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव द टर्म ही सी डज नॉट गेट एनी बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो अगर जिंदा है तो उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ नॉमिनी को बेनिफिट मिलेगा। नो एरिगे नॉमिनी गेट्स फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन सडन डेट ऑफ पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर का सडन डेट के बाद जो नॉमिनी है उनको कुछ सपोर्ट मिल सकता है फाइनेंशियल। आपकी वाइफ है या बच्चे है, उनको अर्निंग के लिए आपको चिंता है, तो आप टर्म इंश्योरेंस करा सकते हैं। एंड यहाँ है आपका एरिया कवरेज इज अवेलेबल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक साल या दो साल का इंश्योरेंस कराते हैं, उसी दौरान आपका डेट हुआ तब आपको मिलेगा, यानी आप इंश्योरेंस ख़त्म हो गया आपका प्लान, उसके बाद आपका कुछ डेट हुआ तब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसमें ये भी होता है कि आप एक साल का कराए, प्रीमियम पे किए, आपको एक साल के अंदर कुछ नहीं हुआ तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर एक साल का 5000 पे करते हैं, आपका प्रीमियम बोली 4 लाख 5 लाख जो भी है ऐसा में शोर, आप प्रीमियम 5000 पे करते हैं, आपको कुछ हो गया बीच में एक साल के अंदर, तो उसमें आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। 5000 पे करेंगे आपको 5 लाख मिल सकता है टर्म इंश्योरेंस में। एंड व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? यहाँ लिखते हैं इन ए टर्म इंश्योरेंस द नॉमिनी ऑफ बेनिफिशियरी गेट एज एश्योर अमाउंट इफ द पॉलिसी होल्डर हैपेंड टू पास अवे ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी के दौरान अगर डेट हो गया तो आपको मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एमडी टॉकीज चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले एमडी टॉकीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, उसके बाद बेल अकाउंट पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे यही होगा कि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और देखते रहिए एमडी टॉकीज, आपका अपना यूट्यूब चैनल मिलेगा, जो उनका सम एश्योर है वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ 1 प्रीमियम भी आप पे करेंगे तो आपको मिलेगा, या 10 प्रीमियम भी पे करेंगे तो आपको जितना साल का कराए वो आपके ऊपर है। थस द कवरेज इज अवेलेबल ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टर्म एंड इन केस द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव द टर्म ही सी डज नॉट गेट एनी बेनिफिट। अगर सर्वाइव कर गए, उनका डेट नहीं हुआ पॉलिसी पीरियड के दौरान, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो आप पे किए वो भी नहीं मिलेगा। डज ए टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द फैमिली एवन वेन ही ब्रेड विनर इज नॉट अराउंड? मतलब ये एक रिस्की है, जब आपको जाने के बाद फैमिली को क्या होगा, ये जस्ट आपको रिस्क को दूर कर देता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस कैन हेल्प मैनेज नॉट जस्ट द डेली एक्सपेंसेस बट ऑल्सो रिपे लोन्स एंड फंड अदर्स रिक्वायरमेंट लाइक चिल्ड्रन एडुकेशन एंड वेडिंग्स। आपके डेट के बाद भी आपके चिल्ड्रन के एडुकेशन की हेल्प होगी, वेडिंग के शादी में वो हेल्प हो जाएगी। द बेनिफिशरी ऑफ द नॉमिनी गेन टेक द एश्योर अमाउंट ऑफ सम एश्योर आइदर इन वन गो और इन इंस्टॉलमेंट। वो सम एश्योर वन टाइम में भी ले सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में मंथली अर्निंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस इज कंसिडर एन अफोर्डेबल प्लान कंसिडर द फैक्ट दैट इज गिवेन हाई कवरेज इवन फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। एक स्मॉल प्रीमियम से भी आपको 1 साल का भरे, उसके बीच में कुछ डेट हो गया तो आपको हाई सम एश्योर मिलता है इसमें। अगर नहीं कुछ हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम, ए प्रीमियम इज द मनी डेट यू पे टू एन इंश्योरेंस कंपनी टू गेट द इंश्योरेंस और द कवरेज। इट इज ए इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर विल सेलेक्टिंग एन इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट करने से पहले आप प्लान को देख लीजिए, उसमें क्या राइडर है, क्या क्या बेनिफिट्स है, अच्छी तरीके से आप रीड कर लीजिए। द प्रीमियम पेड फॉर ए टर्म इंश्योरेंस इज ए कंसिडर चीप गिवेन द काइंड ऑफ कंप्रेहेंसिव कवरेज प्रोवाइड बाई टर्म प्लान। बिफोर बाइंग ए टर्म इंश्योरेंस कंपेयर द प्रीमियम ऑफ वेरियस प्लान। दिस कैन बी डन बाई यूजिंग ए प्रीमियम कैलकुलेटर एंड ऑनलाइन टूल्स टू कैलकुलेट द प्रीमियम। हाउ एवर द कैलकुलेटर डज नॉट गिवेन द एग्जैक्ट प्रीमियम अमाउंट बट एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट द प्रीमियम कैलकुलेट ऑफ ए टर्म प्लान डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। दिज आर एज ऑफ इंश्योरेंस, क्या क्या फैक्टर है देख लीजिए। एज ऑफ इंश्योर, ए यंगर पर्सन पे लोअर प्रीमियम दिस अमाउंट इंक्रीज विथ एज। आप जितना यंग होंगे प्रीमियम आपको उतना कम पे करना होगा, जितना एज होगा प्रीमियम उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगा। सम एश्योर,
हाइगर सम एश्योर मीन हाइगर प्रीमियम एंड सम एश्योर ट्रांसलेट टू ए लोअर प्रीमियम। जितना हाई सम एश्योर रखेंगे प्रीमियम भी हाई होगा, लो सम एश्योर लो प्रीमियम। एंड सम एश्योर मीन आफ्टर डेट के बाद जो नॉमिनी को मिलता है। टर्म ऑफ पॉलिसी, इफ द पॉलिसी इज फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन द प्रीमियम गेट हाई एंड वाइस वर्सा। लॉन्ग टर्म रहेगा तो प्रीमियम भी आपका ज़्यादा रहेगा। स्मोकिंग हैबिट, ए पर्सन हु स्मोक पे हाइगर प्रीमियम कंपेयर टू पर्सन हु डज नॉट स्मोक। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको हाई प्रीमियम पे करना होगा, क्योंकि आपके जान जाने की रिस्क ज़्यादा होती है, इसलिए प्रीमियम हाई पे करना होगा। अगर स्मोक नहीं करते हैं तो आपको लो प्रीमियम करना, क्योंकि स्मोक कम करते तो कम प्रीमियम पे करना होगा, क्योंकि बिजनेस कर रही है वो लोग सब जांच पड़ताल करने के बाद टर्म इंश्योरेंस आपका करती है। जेंडर, प्रीमियम फॉर ए मेल इज हाइगर कंपेयर टू ए प्रीमियम फॉर ए फीमेल। अगर आप मेल है तो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना होगा, फीमेल है तो कम प्रीमियम मेल के दौरान कम प्रीमियम पे करना होगा। हेल्थ कंडीशन, एनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन इंक्रीज रिस्क इन लाइफ रिजल्टिंग इन हाई प्रीमियम। पहले से कुछ आपको हेल्थ प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आपसे पूछेंगे यहाँ, तो आपको जब कुछ भी पहले से कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको प्रीमियम हाई पे करना होगा। आप अगर नॉर्मल होगा तो प्रीमियम कम पे करना होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है आपको समझ में आ गया है? फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इंश्योरेंस में क्या अच्छा है क्या नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, जिनको लगता है आपके फ्रेंड हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है। सोशल मीडिया व्हाट्सअप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। या कुछ भी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड आपको पूछना है या कुछ भी प्रॉब्लम है या डिफरेंट इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।